मैं इस वक्त हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे हूँ, पंजाब में हूँ। एक ये गांव है, इसका नाम है प्रगपुर। तो प्रगपुर इज़ द फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया, इसको डिक्लेयर किया गया है। और बेसिकली जो विलेज है ये तकरीबन 300 साल पुराना है, और ये पटियाल डायनेस्टी थी जिन्होंने बनाया था। तो आज भी यहाँ बहुत सारे घर हैं जो कि मड से प्लास्टर्ड हैं, और पुराना अभी तक उन्होंने हेरिटेज को संभाल के रखा हुआ है। तो ये तो एक होटल है जो कि कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अभी तक ये तकरीबन 200 साल पुराने मकान हैं। तो मैं आपको इस गांव में लेके जाऊंगा जिसको प्रगपुर बोलते हैं। प्रग का मतलब संस्कृत का ये वर्ड है, प्रग का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स, और पुर का मतलब है अबंडेंस में। जो पोलन ग्रेन्स हैं देयर इन अबंडेंस। सो आई टेक यू टू दिस ब्यूटिफुल विलेज ऑफ प्रगपुर। थैंक यू। तो मेरे साथ ये आशु जी हैं जो कि इस प्रॉपर्टी के आप केयर टेकर हैं, रिसेप्शन रिसेप्शन पे हैं। आपका इसके बारे में बताइए, ये जो होटल है इसका क्या नाम है? द शेटू गर्ली। शेटू मीन्स फ्रेंच भाषा का शब्द है महल। महल तो आप देख सकते हैं, ये महलनुमा घर है, हाँ, घर था, मगर इसे 8 साल पहले होटल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। अभी जो हमारे प्रेजेंट ओनर है श्री आतिश चंद्र सूद, ये उनके दादाजी का घर था। अच्छा। श्री मेला राम सूद, मेला राम सूद का। ये कब का बना हुआ है? ये 1921 की बनी हुई बिल्डिंग है। बिल्डिंग है तो ये किस स्टाइल में बनी हुई है? आप ये कुछ जितनी भी गर्ली में आप बिल्डिंग है, ये सारे सूद समुदाय लोगों द्वारा बनाई गई थी। अच्छा। यानी कि ये चार पीढ़ी पहले राजस्थान के अमरकोट से आकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अच्छा, यहाँ क्योंकि वहाँ की जमीनें नहरों में चली गई थी, तब ये वहाँ से प्लान होकर हिमाचल में अलग अलग जगहों में रहे थे आकर। अच्छा। साथ में ये जितनी भी बिल्डिंग है ये सारी मंगोलियन राजस्थान स्टाइल में बनाई गई है, मगर बनाने के लिए अफगानिस्तान के मुसलमान आ गए थे। अच्छा। उस जमाने में। अच्छा। तो जो ये कलरफुल ग्लासेस देख रही है, ये हमारे ओनर के दादाजी ने उस टाइम में बेल्जियम से मंगवाए थे। बेल्जियम से मंगवाए थे, ओके। और कुछ साथ में नीचे 1918 का स्कूल है। तो अपना घर बनाने से पहले श्री मतलब ओनर के दादाजी श्री मेला राम सूद ने उस स्कूल के लिए 16,500 रुपये दान दिया था।